सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन, लाक तली लाल जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पल प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसके आप एक बार इनको निहारिए, कितना प्यारा ये मॉडल बनकर तैयार हुआ है, अति सुंदर। मेरी आंखें इस पर से हट नहीं पा रही थी, इतना सुंदर मॉडल ये प्रियंका जी ने तैयार किया सीमा दीदी की गाइडेंस में। अति 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 सुंदर शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल। मैं आपको एक बात आज बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, ये देखिए एक मिनट। हाँ जी, हमारी जिंदगी है ना सुंदर साथ जी, वो कैसी होती है, ये है हमारी जिंदगी। उसके इधर तरफ भी ये बहुत ही प्यारा एक वीडियो हमारे नव युवक सुंदर साथ परमवीर कैंट जी ने आशीष जी को भेजा, इतना प्रेरणादायक वो वीडियो लगा, मुझे लगा आप सबसे शेयर करना चाहिए। तो उसके इस तरफ भी हमने घोड़ा जोत रखा है, उसके इस तरफ भी हमने घोड़ा। पहले मुझे लगता था नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का घोड़ा हमारे अंदर दौड़ रहा है, जिसको हम ज्यादा खुराक देंगे वही घोड़ा ज्यादा दौड़ेगा, दूसरा अपने आप पस्त होके बैठ जाएगा। इस वीडियो से एक नया ही रूप सामने आया, पॉजिटिविटी का घोड़ा और नेगेटिविटी का घोड़ा है तो सही, पर दोनों उल्टी दिशाओं में जुटे हुए हैं। एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह इधर है। हम क्या करते हैं, हम लोग चर्चा, चितवन, चर्चनी, श्री बीतक साहब, राजी महाराज की बातें भी करते हैं, पॉजिटिव घोड़ा दौड़ता है, उसमें पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, हम और बढ़ते जाते हैं। पर उसके बाद हम कुछ कुछ चीजें दिन में कैसी करते हैं, जैसे कि हमने किसी सुंदर साथ की बहुत वो सेवा कर रहे हो, उनके बारे में यदि हमने कुछ टीका टिप्पणी की कि ऐसे तो ठीक है पर ये अच्छा नहीं है, कोई भी सुंदर साथ चाहे वो सेवा करने वाले हो, चाहे वो प्रेम करने वाले हो, चाहे वो चर्चा करने वाले हो, चाहे वो कोई नॉर्मल आपको जानने वाले हो, जैसे ही हम उनके बारे में कुछ भी ऐसा कहते हैं या फिर अपने मनसा वाचा कर्मणा, अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने मन से भी यदि किसी का दिल दुखाते हैं तो ये वाला घोड़ा है ना, ये एक्टिव होता है उस टाइम, ये घोड़ा एक्टिव होता है। तो ये जो कार्ट हमारा सुबह सुबह पॉजिटिविटी में गया था, थोड़ा इधर चला गया था, वो फिर से ये पूरे दिन में ये घोड़ा क्या करता है, उसको वापिस उसी स्थान पे खींच के ले आता है, या फिर हम थोड़ा उससे भी पीछे चले जाते हैं जहां से हमने दिन शुरू किया था। तो पहले हम यहां से शुरू किया, अब हम यहां पहुंच गए रात तक, फिर से हमने सुबह मेहनत की, फिर से हम पूरा दिन हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की, पर साथ में कुछ चीजें ऐसी करने से वो कार्ट हमें फिर से वापिस खींच के ले गया।
आफ्टर ऑल हमारे ही जीव, हमारी ही आत्म अभी तक जागृत क्यों नहीं हुई? 400 साल हो गए, तो इसका मतलब ये जो दौड़ता है रात तक वापस चला जाता है या शायद उससे भी पीछे चला जाता है। यही कारण है 400 साल बीत गए, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पर उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। चर्चा सुनते हैं, चर्चनी सुनते हैं, चितवन सुनते हैं, चितवन बैठकर करते हैं और श्री बीतक साहब का श्रवण हम हर साल करते हैं, आफ्टर ऑल असर क्यों नहीं हो रहा हम सब सुंदर साथ पे? कहीं ये तन भी निरर्थक इसी प्रकार ना चला जाए सुंदर साथ जी, तो आज से डिसाइड कीजिए। क्योंकि यदि नेगेटिविटी की तरफ जाना है तो वो भी डिसाइड कीजिए कि मुझे अब इधर ही जाना है, तो मुड़ के इधर देखिए भी मत, तो ये तन को पूरा वेस्ट कर लेते हैं हम। पर यदि राज्य को पाना है, जो आई एम 100% 200% श्योर कि सब सुंदर साथ राज्य की तरफ ही जाना चाहते हो, क्योंकि उनकी अंगनाएं उनके बिना रह ही नहीं सकती, तो हमें जाना इस तरफ है, तो इस तरफ का रुख हमें नहीं करना आज से, अभी से। जिस प्रकार हम एक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं ना कि नहीं बेटा पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा खेलो, थोड़े साल उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद वो खुद ब खुद बैठकर पढ़ने लग जाते हैं, खुद ब खुद वो खेलने लग जाते हैं, उनकी एक रूटीन सेट हो जाती है। उसी प्रकार से ये मन भी एक बच्चा है, उसको रोज आज से हर एक्टिविटी पे ध्यान देना शुरू कीजिए। ये शब्द मैंने मुंह से निकाले, क्या मैं नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं चली गई आज, क्या हम उधर तो नहीं चले गए? हमने कम से कम यहाँ से शुरू किया है, तो कम से कम एक इतना सा स्टेप ही एक दिन में बढ़े, पर वो बढ़ाना है। देखिए इतना इतना स्टेप बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ये तो राजी महाराज ही जानते हैं। तो नेगेटिविटी की तरफ आज से हमने अपने मन, अपने वचन, अपनी वाणी, अपने कर्म पर इतना ध्यान देना है कि मेरा एक भी शब्द मेरे सुंदर साथ के दिल को दुखाने वाला ना हो, मेरी एक भी वाणी, मेरा एक भी सोच, मेरा एक भी विचार, मेरा एक भी कर्म किया हुआ मेरे सुंदर साथ को या आसपास आपके कोई भी रहते हैं उनको दिल को दुखाने वाला एक भी कदम हमें उस घोड़े की तरफ दौड़ाने लगता है। तो आशा है आज से एक एक स्टेप वॉच करेंगे हम अपना। सिर्फ यहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं सुंदर साथ जी, आप डाइटिशियन के पास जाएं अपनी आदतें बदलने के लिए, वो कहते हैं 21 दिन तक यदि आपने ये कर लिया तो वो पक्का हो जाता है, ये बुक्स में लिखा हुआ है यहाँ की। तो 21 दिन तक यदि हम भी ये कार्य सिर्फ स्टेप वॉच करें, एक एक क्षण पे अपने पे नजर रखें, क्योंकि ये जीव का मन फिसल जाता है, ये चलने लगता है उधर की तरफ, पता भी नहीं लगता, और हम भी उसी रो में बहने लगते हैं। एक एक स्टेप, एक एक कदम पर आज से ध्यान रखें, केवल 21 दिन तक राज्य की बहुत मेहर होगी। ये जो केवल मॉडल्स में दिख रहा है ना सुंदर साथ जी, हम यदि एक एक कदम पर ध्यान रखेंगे तो ये एक एक स्टेप के हम कितने नजदीक इन चह बच्चों के ऊपर खुद को खड़ा पाएंगे, ये राज्य की अति मेहर जरूर बरसेगी। हम सब सुंदर साथ पर हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, क्यों ना हम ये मेहनत भी साथ में कर लें। तो आइए सुंदर साथ जी, ये अति सुंदर विचार, अति सुंदर वीडियो उन्होंने भेजा, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, तो मुझे लगा आप सब सुंदर साथ से ये शेयर करना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी अपने श्री चहबच्चा जी की तरफ। देखिए श्री रंग भवन महाराज जी ने बार बार इतने प्यार से लिखा, श्री पुखराज पहाड़, श्री मानिक पहाड़, हमारे लिए सब वहां पर श्री, सब पूजनीय कहूं, उन पर खड़े होकर उनको चूमने को कहूं, क्या कहूं इसके बारे में सुंदर साथ जी। हम सब अपने दिल में विचार करेंगे इसके बारे में कि हमें क्या करना है। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी स्टेप बाय स्टेप हम आज चलते हैं। तो हमारे जो ये चहबच्चा हैं वो हैं कहाँ पर, हमें उनकी लोकेशन बहुत ही प्यारी पता है, अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान कोण में, और अग्नि कोण के चहबच्चा की हम इस समय बात कर रहे हैं, और उन चहबच्चा के साथ लगते हुए कौन कौन से वृक्ष आएंगे, जाम्बू और नारंगी के
ऑलमोस्ट बीच में आप कह सकते हैं जांबू और नारंगी के लगते हुए पेड़ इनके साथ आएंगे उन वनों को ये छूते हुए, और इधर से बट पीपल की चौकी हम बाद में करेंगे, पर उनके भी पेड़ इन पर अपनी प्यारी सी छाया छत्री मंडल डालते हुए अति सुंदर। तो एक एक करके हम सबसे पहले इन चहबच्चा की बेसिक चीजों को क्या क्या हमने समझा था सुंदर साथ जी, ये जो है ये है हमारे अग्नि कोण के चहबच्चा, ये पूर्व की रौंस, ये ऊपर परिक्रमा रौंस, ये पूर्व की रौंस जो वनों से मिली हुई आई थी। मेरी एक गलती होती थी जब भी मैं सुनती थी तो सात वनों को पीछे छोड़कर चहबच्चा को नहीं समझना है, सात वनों को साथ में लेकर जो चांदनी आपने अभी तक बनाई है, जो मिलान आपने अभी तक किए हैं, उनको ध्यान में लेकर इनको समझिएगा तो और ज्यादा कनेक्शन आप इनके साथ फील करेंगे कि वो चांदनियां किस प्रकार से बढ़कर इनकी तरफ आई हैं। तो ये 480 आप ना सिर्फ ये याद रखिए, मोटी गिनती इसका वैसे भी ये फेमस है, किस प्रकार से 16 हास का चह बच्चा, इनको ऐसे ही याद कीजिए, 16 हास मतलब एक हास में 30 मंदिर, तो 16 को 30 से करेंगे तो 480 की ग्रिड अपने आप ही आ जाएगी, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा ये। तो 480 मंदिर की ग्रिड जिसमें से ये एक हास श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस से मिला हुआ, यानी के 30 मंदिर एक हास, 30 मंदिर यहाँ पे मिले हुए, बिल्कुल आने जाने का रास्ता बिल्कुल सेम लेवल पे, हम इन परिक्रमा रौंस से दक्षिण से हो या ये पूर्व की तरफ की बात कर रहे हैं हम, पूर्व से क्योंकि ये कोने में आए हैं ना, तो पूर्व से भी हम सीधे इधर आ सकते हैं, दक्षिण से भी आ सकते हैं। और ये देखिए अब ये अगर एक हांस यहां से मिला है तो ये कौन कितने हांस हुए बाहर निकले हुए, ये बाहर निकले हुए हुए 15 हांस यानी 15 × 30 450 मंदिर। महाराज जी ने स्पेशल ये मेंशन किया कि ये 450 मंदिर रंग महल के बाहर निकले हुए पहलदार गोल कितने सुंदर दिखाई देते हैं, ये चह बच्चा अति विशाल अति भव्य। और उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले नीचे से आप ऐसे सोचिए, मुझे शोभा भूल जाती थी, पहले क्या बोलना है बाद में क्या बोलना है, स्टेप बाय स्टेप आप ये देखिएगा एक बार, बहुत ही सुंदर ये नक्शे जो बनकर तैयार हुए स्टेप बाय स्टेप आप इनको देखिए एक बार। सबसे पहले क्या हुआ, भोम भर से एक चबूतरा उठा, भोम भर का एक चबूतरा जमीन से, यानी के वही जो रौंस चल रही है ना इधर से आती हुई, ये सात वन है, इस तरफ सात वन है ना, तो यहाँ से जांबू के वन इनके साथ लगते हुए यहाँ पूरा जांबू का वन आया हुआ है, उसके बाद यहाँ से नारंगी वन शुरू हो गया हुआ है, फिर यहाँ पे बट पीपल की चौकी के साथ लगते हैं ये चह बच्चा। मैं आपको इनकी वो भी बताऊंगी कैसे कैसे ये लगते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, जमीन से भोम भर का एक चबूतरा उठा, किस प्रकार का, इस प्रकार का, एक पूरा भरा हुआ नहीं है, सिर्फ साइडों से ये दीवार उठी है, इसको बोलते हैं कोट दीवार। क्यों बोलते हैं कोट दीवार इनको, क्योंकि ये एक मंदिर की चौड़ी मोटी दीवार, एक मंदिर की मोटी जब भी दीवार होती है उसको कोट दीवार बोलते हैं। तो एक मंदिर की मोटी दीवार ये देखिए ये गोलाई लिए हुए जमीन से उठती हैं, एक भोम भर की ऊंची, भोम भर यानी वही 100 हाथ होते हैं हमेशा, तो ये क्योंकि रंग महल का चबूतरा भी भोम भर ऊंचा है, ये दीवार भी भोम भर ऊंची है, ये इधर से चबूतरा से मिली हुई है, तो इसका मतलब आने जाने का रास्ता सेम हो गया क्योंकि इनका लेवल सेम हो गया। तो अब ये जो दीवार उठी ये तो है कितनी, 480 मंदिर की ग्रिड लिए हुए। अब क्या हुआ, इनके अंदर जो है ना वो पानी आएगा अभी अभी। सबसे पहले ये सुंदर साथ को समझने में बहुत कई बार समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है, ये होता है छज्जा। जैसे हमने बाहर छज्जे बढ़ाए थे ना रंग महल के बाहर, 33 हाथ का छज्जा जो दूसरी से आठवीं भौम तक निकला हुआ है ना रंग महल का, केवल छज्जा, उसके नीचे कोई बेस नहीं होता, उसके नीचे तो दूसरी भौम आई हुई है। तो ये छज्जा खाली अंदर एक इस प्रकार गोलाई में
एक आप सोच लीजिए, ये दीवार यदि खड़ी हुई है तो ये आड़ी समझ लीजिए एक बार की, ये ऐसे दीवार उठाई थी ना, ये ऐसे निकाल दी, तो उनको छज्जा बोलते हैं, बालकनी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हम रंगमहल के बाहर तरफ 33-7 के निकाले थे ना, इनके कमर भर नीचे, कमर भर नीचे। जिस प्रकार आप तीर्थ स्थानों पे कहीं घूमने जाएं या फिर तीर्थ स्थानों पर स्नान करने कभी जाते हैं हम, तो हम 3 सीढ़ी नीचे उतर कर वहां पर स्नान कर सकते हैं, कमर भर गहरा तक वहां पर जल होता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा यहाँ। ये बाहर छज्जा निकाला पर ये इसका बेस नीचे कोई नहीं, सिर्फ ये अकेला ऐसे छज्जा अंदर से निकला हुआ है। नीचे देखिए वो आपको कोट दीवार ही दिखाई दे रही है नीचे तक जाती हुई, तो ये रेड कलर की दीवार पूरी नीचे तक जाती हुई, पर ये छज्जा केवल 3 हाथ नीचे बाहर की तरफ निकला हुआ। अब इन छज्जे पर क्या किया, इन छज्जे पर उतरना कैसे है, अब हम इन कोट दीवार के ऊपर हैं, ये भी बोलते हैं पूरी एक मंदिर की चौड़ी ये ऊपर रौंस की शोभा दे दी। ऊपर जब ये चबूतरा ऊपर उठा तो ये जो है ना, इन्होंने रौंस की शोभा ले ली। अति सुंदर ऊपर से ये कोट दीवार हमें दिखाई दे रही है, तो अति सुंदर रौंस। उसके बाद आप 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे कैसे, सबसे पहले तो यहाँ चांदे लगा दिए गए। धीरे धीरे मन में स्टेप बाय स्टेप आप शोभा बसाएंगे ना, कभी नहीं भूलेगी। चांदों की सीढ़ियां हमें ऑलरेडी पता है कैसी होती हैं, और ये जो चांदे हैं, एक मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा चांदा, 3-3 सीढ़ियां दोनों तरफ से नीचे उतरती हुई, और इस प्रकार के चांदे इन छज्जा पर, या इनको क्या बोलते हैं, जल चबूतरा, जल चबूतरे पर उतरती हुई चारों दिशाओं से हमें ये चांदे मिले, एक पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो उसके बाद 3 सीढ़ियां उतर कर, चाहे इधर से उतर के आप इस पे जाएंगे ना, इसके ऊपर जब जाएंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले ये जो उतरी, ये जो है ना, इनके इन पर कैसे चढ़ना है वो भी हम देखेंगे। अभी ये छज्जा समझने के लिए ये पिक्चर स्पेशल बनाई गई कि 3 सीढ़ियां उतर के हम छज्जे पर जाएंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि ये कोट दीवार के ऊपर चढ़ेंगे कैसे। जिस प्रकार रंग महल पे चढ़े थे ना हम, 100 सीढ़ियां लेकर चढ़े थे, तो इन कोट दीवार के ऊपर जो रौंस प्यारी सी बन गई है उनके ऊपर हम कैसे चढ़ेंगे, तो ये देखिए। इन पर चढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले पूर्व में सेम चांदे की सीढ़ियां भौम भर की ऊंची, क्योंकि ये कोट दीवार जो है वो भौम भर की ऊंची है, तो चांदे की सीढ़ियां दोनों तरफ से भौम भर की ऊंची हमें यहाँ पर मिली। तो हम कहाँ थे, जाम्बू के बगीचे में यहाँ हम घूम रहे थे, तो ये रौंस पर हम आए। बगीचे से 3 सीढ़ी ऊपर होती है वो रौंस, हालांकि यहाँ पर हमें नहर का चबूतरा भी मिलेगा। आपको 7 वन याद होंगे, हम एक पिक्चर में फिर से भी देख लेंगे कि यहाँ कौन कौन सी शोभा को हम पार करेंगे तो हम इनके ऊपर पहुंचेंगे। तो यहाँ लगते हुए जाम्बू के वन आए हुए हैं, तो ये हम इनके ऊपर जब गए इन रौंस के ऊपर, ये रौंस सेम टू सेम जो रंग महल के पूर्व दिशा में 2 मंदिर की रौंस आई है ना, वो इस प्रकार से घूम गई है इनके ऊपर। तो वही वाली रौंस जहां दो दो वृक्ष आए थे, पहले वृक्ष ने 22 हाथ ऊपर जाकर रंग महल की तरफ छज्जे बढ़ाए थे, तो ये वही वाली रौंस इधर की ओर मुड़ गई है। ये वही 2 वृक्षों की हारें भी हैं यहाँ पर जाम्बू के वन में। देखिए कितना प्यार सुंदर साथ ने डाल दिया, जाम्बू दिखाने के लिए जामुन कलर के ही वृक्ष दिखाए, नारंगी के लिए नारंगी के ही वृक्ष दिखाए। इसके लिए सीमा दीदी और प्रियंका जी, कोटान 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 कोट आभार, और बहुत सारा सब सुंदर साथ की तरफ से आपको प्यार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतना सुंदर ये आपने एक रात में सुंदर साथ जी, पता नहीं कितनी देर तक वो दोनों सुंदर साथ हमारे लिए सेवा के लिए जागे होंगे कि सुंदर साथ के दिलों में ये चला जाए। सब सुंदर साथ आज उस पॉजिटिविटी के घोड़े को दौड़ाना है ना, तो आज से ब्रह्मवाणी चर्चा चितवन बीतक साहिब और चर्चनी, और जितना आप डूब सकते हैं चितवन में वो तो करिए ही, पर इतने प्यारे सेवा भावी सब जो आपको सेवा करते हुए उनके लिए
प्रेम और आशीर्वाद की वाइब्रेशंस अपने दिल से जरूर निकालिएगा। देखिए राजी कितनी जल्दी आपको अपने आलिंगन में लेते हैं। तो ये देखिए सुंदर साहब जी, ये चांदे की सीढ़ियों से आप जब इन रॉस पर आए, आप इन चांदे की सीढ़ियों से चढ़ेंगे। अब ये चांदे की सीढ़ियां महाराज जी कैसे डिफाइन करते हैं, एक चबूतरा, ये दो मंदिर की रॉस है सुंदर साहब जी, पर चांदे ने एक ही मंदिर कवर किया हुआ है, क्योंकि ये चांदे का जो ये चबूतरा बना, सबसे पहले महाराज जी ये चबूतरा उठाते हैं, ये चबूतरा एक भौम का उठता है। ये चबूतरे का साइज क्या है, अंदर जो चांदा है वो है 1/1, एक मंदिर का लंबा एक का चौड़ा। बाहर डिफरेंट है, बाहर दो मंदिर का लंबा और एक का चौड़ा। ये दो का लंबा क्यों आया, इसमें भी एक बहुत ही प्यारी सी बात है, वो भी आपसे शेयर की जाएगी। ये देखिए सुंदर साहब जी, तो ये चबूतरा जो उठा वो दो मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा, अति सुंदर ये चबूतरा। प्रियंका जी ने भी कितना प्यारा ये चबूतरा यहाँ पर उठाया सीमा दीदी की गाइडेंस में, अति सुंदर। और ये देखिए इधर भौम भर की सीढ़ियां, आप कहीं से भी, सपोज आप जांबू वन से घूमते हुए टहलते हुए आ रहे हैं, इधर से ही इन पर चढ़ गए। अब आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको याद है ना सुंदर साहब जी, चांदा में क्या क्या होता था, जब हम चढ़ते हैं ना इसकी तरफ कठेड़ा लगा होता है, क्योंकि भौम भर ऊंचाई चढ़ रहे हैं आप, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कठेड़ा दिखाई देता है, इधर कठेड़ा लगा हुआ सीढ़ियों की इस साइड में। और उसके बाद जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं इधर भी कठेड़ा लगा हुआ, क्योंकि आप भौम भर ऊपर खड़े हैं, इधर भी कितना प्यारा ये दृश्य इन चांदों की सीढ़ियों से चढ़ते हुए खुद को महसूस कीजिए कि मैं इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के भौम भर के ऊपर पहुंच गई। देखिए सुंदर साहब जी, यहां पर पहुंचे तो आगे जाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये तो मिले हुए हैं। अब जब हम आगे गए, इस कोट दीवार के ऊपर गए, तो मैंने क्या क्या देखा, हम सब ने मिलकर, हम सब इन डिफरेंट डिफरेंट साइड से चांदों की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। ये चांदे कहाँ कहाँ आए हैं सुंदर साहब जी, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, यहाँ पर भी बहुत ही स्पेशल चांदों की शोभा आई है, वो भी हम दूसरे मैप से करेंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर भी एक चौक बना है, एक ही तरफ सीढ़ी उतरती है उसके, तो वो नॉर्मल सीढ़ी भी आप कह सकते हैं उनको। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जब ऊपर आए ना, तो यहाँ भी पूरा साइडों में यहाँ पर भी कठेड़ा लगा हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये पूरी दीवार भी तो भौम भर ऊंची है ना, तो यहाँ पर भी पूरा कठेड़ा हमें दिखाई दिया। उसके बाद हम इन कोट दीवार पर हमने परिक्रमा की, पूरे चह बच्चा के अंदर से हम दर्शन कर रहे हैं, और हमें यहाँ चांदों की जगह छोड़कर भी यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ, यहाँ फिर से चांदा आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए अंदर के चांदों की जगह छोड़कर हमें फिर से यहाँ कठेड़ा मिलता हुआ, अति सुंदर इस प्रकार से ये कठेड़ा लगे हुए, बीच बीच में हमें चांदे मिल रहे हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए, जल के अंदर तीन सीढ़ी नीचे उतरने के लिए यहाँ हमें चांदे मिले। और अंदर ये देखिए जल, और ये भी जल ऊपर तक आया हुआ, यहाँ तक जल हमें दिखाई देगा, ये अभी ये क्लियर करने के लिए हम नीचे उतर रहे हैं, जल तो पूरा यहाँ तक ऊपर तक भरा हुआ। जब हम यहाँ खड़े होंगे ना सुंदर साहब जी, यहाँ पर खड़े होंगे जब हम, तो तीन सीढ़ी नीचे मतलब कमर भर हम जल में भीगे हुए होंगे जब यहाँ खड़े होंगे। और अंदर की तरफ भी इसी प्रकार, यहाँ भी इसी प्रकार हमें कठेड़े पूरे तरफ दिखाई, सिर्फ चांदों की जगह, इस प्रकार चांदों की जगह छोड़कर अंदर पूरे कठेड़े यहाँ पर हमें दिखाई देंगे चांदों की जगह छोड़कर। तो एक ये बताइए सुंदर साहब जी, हमने एक मंदिर यहाँ से छोड़ दिया, एक मंदिर की ये दीवार आई है, मैं कलर चेंज करती हूँ, एक मंदिर की ये दीवार आई, एक मंदिर की इधर दीवार आ गई। सुंदर साथ क्विकली चैट में लिखेंगे, बहुत सारे सुंदर साथ ने चैट में भी आशीर्वाद दिए, बहुत सारा प्यार भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आशा है ये पूरे प्यार की किरणें तरंगे सीमा दीदी और प्रियंका तक जरूर पहुंच गई होंगी। तो सुंदर साथ जी बताइए, इन चह बच्चा की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी,
लंबाई और चौड़ाई इनकी कितनी थी, ये बताइए कितनी है। 480 मंदिर की ग्रिड, लंबाई चौड़ाई कहें या इसका डायामीटर या वो कहें व्यास कहें, वो कितना है? हाँ जी बिल्कुल सही बेटा, 160 मंदिर, क्योंकि 480 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 160 मंदिर की लंबाई, 160 की लंबाई और चौड़ाई। अब उसमें से यदि आप केवल जल देखें, केवल जल को देखें आप, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी, दुष्यंत जी, सुनीता जी, रेनू जी, रेनू जी पहली बार सीख रही हैं, अति सुंदर। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पूरा तो 160 मंदिर, इसमें से एक मंदिर ये वाला कम कर दीजिए, एक मंदिर यहाँ दीवार आई, तो जल कितने में आया टोटल? जैसे कि खड़ोकली का जल हमने समझा था, जल कितने में आया सुंदर साथ जी? हाँ जी एबीसी के नाम से सुंदर साथ हैं, परफेक्ट आंसर्स दे रहे हैं वो, वेरी गुड। हाँ जी विजय आंटी का भी देख लिया मैंने, तो एक मंदिर इधर से कम हुआ, एक इधर से। मैं सारे उत्तर कई बार नहीं देख पाती हूँ सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। तो ये बच्चे हमारे 160 में से आप एक इधर से माइनस करें एक इधर से, तो जल कितने भाग में आया? 158 मंदिर, 158 लंबाई, 158 चौड़ाई में। जो सुंदर साथ मैथ्स में बहुत तेज हैं वो बताइए कि जल की परिधि क्या होगी, जल की ग्रिद क्या होगी? ओनली जल, जल की ग्रिद कितनी होगी सोचिए, 158 टाइम्स 3 करते हैं हम सर्कल में। हाँ जी 158 टाइम्स 3 एबीसी के नाम से उन्होंने लिखा है, 474, यानी 480 मंदिर की ग्रिड में ये कितने रह गए, जल हमारा रह गया 474 मंदिर में। सिर्फ दिल में बसाना कि वो दीवार की वजह से थोड़ा सा जल। इसी प्रकार सुंदर साथ जी, पता नहीं खड़ोकली में हमने ये छज्जा बहुत प्यार से, ऐसा ही छज्जा हमारी प्यारी खड़ोकली में भी आया हुआ है, दीवार से अंदर की दीवार से बाहर निकला हुआ छज्जा, जो कि बेस तक नहीं गया है, केवल यहाँ पे ही उनकी दीवार बाहर निकली है छज्जे के रूप में। खड़ोकली कितनी गहरी थी? 3 मंदिर, 3 भौम गहरी। और हमारे ये चह बच्चा कितने गहरे हैं? एक भौम तो ये जमीन के ऊपर है और एक भौम जमीन के नीचे, तो जल की गहराई होती ही है। तो ये कितने गहरे हुए? 2 मंदिर के गहरे, 2 मंदिर के गहरे ये हमारे चह बच्चा, कितने प्यारे और कितने सुंदर। अब हम इनको ये देखिए, नेक्स्ट देखिए आप कितना प्यारा, ये देखिए हाँ जी अति सुंदर इधर, और ना पता है कहाँ से कहाँ तक सुंदर साथ जी, यहां से होता है रंग महल के साथ मिला हुआ, सपोज आप ये हाथ समझ लीजिए, तो वहां से लेके पूरा यहाँ तक जांबू वन, इन पे जांबू वन इनके साथ मिले हुए आए हुए हैं। उसके बाद यहां से लेके यहाँ इस साइड से लेके यहाँ तक तो जांबू आए हैं, उसके बाद यहां से लेके पूरा यहां तक नारंगी वन आए हैं, मतलब हाफ ऑफ द चह बच्चा, आधा चह बच्चा हमारे जांबू वन ने कवर कर लिया है। उसके बाद 1/4, चौथाई भाग हमारे नारंगी वन वृक्षों ने कवर किया, और उसके बाद ये जो पार्ट आया ना, इस पार्ट के सामने उधर हमारी बट पीपल की चौकी आएंगी, डोंट वरी, हम उनको भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से करेंगे। सबसे पहले हम इस शोभा को अलग अलग प्रकार के नक्शों से और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए हाँ जी, ये देखिए इनमें जल, ये कमर भर गहरा जल पूरा ऊपर तक आएगा ये जल, और चह बच्चे का जल 2 भौम गहरा है, नारंगी के वृक्ष, और ये वृक्ष भी सुंदर साथ जी बड़ा अच्छा लेबल से मुझे याद आया, लेबल भी दिए हैं देखिए कितने प्यारे प्यारे, 2-2 मंदिर की दूरी पर ही हमारे वनों के वृक्ष शुरू से चले आ रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अभी भी चलते हुए 2-2 मंदिर के वृक्ष। रौंस धाम जमीन पर 2 मंदिर की चौड़ी, वही वाली रौंस हमारी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे जांबू के वृक्ष, ये चह बच्चा की रौंस ऊपर कितनी, 1 मंदिर की चौड़ी रौंस। अब ये देखिए हम समझेंगे इन छत्री मंडल को, बहुत ही प्यारा ये छत्री मंडल भी उन्होंने बनाकर भेजा, अति 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 सुंदर। ये देखिए कितने सुंदर ये वृक्ष, पहले ग्रीन बनाए उन्होंने, इनके भी हम दर्शन करेंगे, फिर उनके दिल में राजी ने डाला, मैं आपसे सुंदर साथ जी बिल्कुल 100% ट्रू ये बात है कि मैंने आज तक
प्रियंका जी को या सीमा दीदी को मुख से निकला ही नहीं कि आप इसका मॉडल बना दीजिए या इसका नक्शा बना दीजिए। एक बार शायद कार्यक्रम में कहा था और उन्होंने बनाया था, अदरवाइज उनके दिल में अपने आप राजी कैसे उनके दिल में एक दो दिन पहले डालते हैं और इधर दिल में बात अभी आई भी नहीं होती कि वो मुख से निकलने से पहले ही राजी महाराज पूरी करके वो सामने ले आते हैं कि ये मॉडल बिल्कुल तैयार है। हमारी हमारी अनुजी जो क्विज बनाती हैं, आज तक एक बार भी मैंने उनसे नहीं कहा कि अनुजी नेक्स्ट क्विज आपने बना लिया या आप बनाएंगी या नहीं, नेवर नेवर एट ऑल। उनके दिल में आता है हमेशा और वो अपने आप अगले क्विज बनाकर रेडी रख के अपने आप सुंदर साथ की सेवा में भेज देते हैं। ये होती है दिल से सेवा करना कि अपने आप राज्य दिल में डालते हैं और वो सेवा सुंदर साथ के सामने आकर हाजिर हो जाती है, प्रस्तुत हो जाती। इसी प्रकार नोट्स के बारे में आज तक नहीं पूछा गया कि नेक्स्ट नोट्स बन गए या रेडी हो गए या नहीं। नहीं सुंदर साथ जी, अपने आप वो लिखते हैं, उसके बाद वो करते हैं, चेकिंग करते हैं, अपने आप वो नोट्स राजी उनके दिल में अपने आप डालते हैं कि अभी नेक्स्ट नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। तो राजी की कितनी कितनी अपार अपरंपार मेहर बरस रही है, उसका शब्दों में बयान करना या उसका अंदाजा लगाना भी बहुत बहुत कठिन है सुंदर साथ जी। तो ये अति सुंदर सेवा। और ये देखिए, अब हम इन नक्शों से बहुत, कल मुझे एक बहुत ही प्यारी शोभा, मैं बड़े दिन से महाराज जी का नक्शे महाराज जी की वृत्त पढ़ रही थी, मैंने 1 वीक पहले चाहे बच्चा को पढ़ना शुरू किया था, पर मुझे एक शोभा दिल में अटकी हुई थी जो क्लियर नहीं हो रही थी और कल अचानक से रात को वो शोभा क्लियर हुई। प्रियंका जी का बाय चांस बात हुई, उन्होंने बोला दीदी हमारे दिल में आया कि ऐसा एक, मुझे सीमा दीदी सीमा मासी ने बोला कि ये हम बनाएं क्या, तो मैंने उनको वो शोभा भी बताई और उन मैप उन मॉडल्स में उन्होंने वो कवर भी किया। मैं आपको स्पेशली वो बताऊंगी। एक्चुअली ये देखिए, ये जो थी ना जांबू वन से लगी हुई ये रौस है जिसमें दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे थे, है ना, ये वही रौस कंटिन्यू हो रही है। इसको आप बहुत अच्छे से देखिए एक बार कि ये कौन सी रौस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक 7 वन से उनका वो नहीं होगा ना तब तक हमें समझ नहीं आएगी कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। तो हम 7 वन को छोड़े नहीं, उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू होना है सुंदर साथ जी। ये है जांबू वन, ये है नारंगी वन, तो हमने यहाँ पर जो रौस की थी ना लगती हुई रौस इनके साथ दो मंदिर की, वो हमने अमृत वन में, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वही रौस यहाँ पर कंटिन्यू हो गई है, वही दो मंदिर की रौस घूम कर इधर जाती हुई जांबू और नारंगी वन के वृक्षों के साथ। तो वहां भी दो दो मंदिर के अंतर पर वहां वृक्ष आए हुए थे चांदनी चौक को छोड़कर। तो ये जांबू वन के वही वृक्ष जिन्होंने मिलान किया था ना सुंदर साथ जी, वही वाले दो वृक्ष। वो दो वृक्ष कितने स्पेशल हैं, फर्स्ट हार के पहली हार और दूसरी हार, वो वहां पर भी पूरा मिलान करके आए और इधर भी वो दो में ऊपर क्या करेंगे, कैसा छत्री मंडल वो डालेंगे, आप देखिएगा उन दो वृक्षों को, अति सुंदर अति सुंदर, आप देखिएगा। अभी ये देखें, अब हम जाते हैं कि हम ये वाली रौस जो हम, ये वाली रौस सुंदर साथ जी आपको याद होगी, ये दो मंदिर की रौस जो हद थी ना हमारे सारे वनों की पश्चिम की हद, यही दो मंदिर की रौस थी जिस पर दो दो मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए थे और उन्होंने छज्जे बढ़ाकर फिर मिलान किया था, ऊंचा जाकर मिलान किया था और फिर छज्जे बढ़ाए थे। तो आइए अब हम चलते हैं उसी रौस पे ही कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे, ये देखें आप, तो वो रौस जो है ना वो घूम कर इधर आई है, राइट, और उसके बाद वो तो रहेंगे दो दो मंदिर के अंतर पर ही। अब मुझे एक शोभा महाराज जी बड़ा प्यार से लिख रहे थे पर वो एक पंक्ति जैसे दिल में अटक गई थी कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही, तो वो क्या थी सुंदर साथ जी। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है रौस, ये है चहबच्चा की कोट दीवार, हाँ जी, ये नारंगी वन के वृक्ष उस पर घूमते हुए, इधर जांबू वन ने पूरा कवर किया,
इधर नारंगी ने और इसको बट पीपल की चौकी ने, और ये देखिए ये दो सीढ़ियां इधर से उतरती हुई जो मैं आपको बता रही थी कि इधर से भी दो उतरेंगी, ये किस प्रकार की बनी, एक मंदिर का लंबा और एक मंदिर की चौड़ाई इधर से, तो ये भी सीढ़ियां हमारी ये जांबुवन की तरफ और ये वाली बट पीपल की चौकी की तरफ, एक मंदिर की लंबाई और एक मंदिर की चौड़ाई इन्होंने ली महाराज जी ने। ये सीमा दीदी ने कल भी मुझे बहुत प्यारा सा ये लगा, ये मैं आपसे शेयर करूंगी, मैं भूल जाती, यदि सीमा दीदी ने नहीं ये बोला होता तो मैं अभी भूल जाती। थैंक यू वेरी मच दीदी, मैं अभी आपको सुंदर साथ जी वो बताती हूँ, 1 मिनट। तो ये देखिए महाराज जी ने लिखा इस पर ना बाहर कठेड़ा लगाया है, यहाँ पर पूरी जगह पर इधर कठेड़ा लगा हुआ है हमारा, तो वो चांदों की जगह छोड़ छोड़ के लगा है, तो कितनी जगह पे कठेड़ा लगा, एक्चुअली में ये वाली जगह पे तो कठेड़ा नहीं आएगा क्योंकि हम अंदर आते हैं, है ना, और उसके साथ ये है 30 मंदिर की जगह, राइट, और इसके बाद ये एक मंदिर में भी कठेड़ा नहीं आएगा क्योंकि हमें सीढ़ियों पे भी तो जाना है ना, हम इधर से भी जा सकते हैं सीढ़ियों पे, हम इधर से भी जा सकते हैं, ये दोनों से मिली हुई सीढ़ियां हैं, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी ये प्यारी सी बात हुई, ये 30 मंदिर यहाँ कठेड़ा नहीं आया, एक मंदिर यहाँ नहीं आया, एक मंदिर इधर नहीं आया, और ये दो दो मंदिर चांदों की जगह पर भी चारों तरफ वो कठेड़ा नहीं आया, तो आप सोचिएगा कि कितनी जगह 480 मंदिर में से बच गई जहां पर कठेड़ा नहीं आया हुआ, ये जरूर एक बार सोचिएगा। बहुत ही प्यारी सी ये महाराज जी ने स्पेशल उसमें लिखा हुआ है कि कितनी जगह पर कठेड़ा आया हुआ है, तो 480 में से ये आप माइनस करके निकाल सकते हैं, और हाँ जी सुंदर साथ का तो उत्तर भी आ गया है, 472 मंदिर, 472 मंदिर, ये हम अभी काउंट भी कर लेंगे। मैं आपको एक और बड़ी प्यारी सी शोभा दिखाती हूँ, आप सब इनको काउंट कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। ये देखिए अब ये जो वृक्ष आ रहे थे ना, दे आर वेरी वेरी स्पेशल, तो यहाँ पर आप चांदा को देखिए एक बार, ये वृक्ष तो चले आ रहे हैं बहुत ही प्यारे, ये वृक्ष दो दो मंदिर की दूरी पर, अब अचानक से चांदा पे आके क्या हुआ ये आप देखिए इनको, ये मैंने कल रात को ही नोटिस किया सुंदर साथ जी कि इन वृक्षों ने कितनी सुंदर यहाँ पर शोभा ले ली, ये देखिए ये वृक्ष तो, हाँ जी ये वृक्ष तो आ ही रहे हैं दो दो मंदिर के अंतर पर, ये वृक्ष महाराज जी की जो उन्होंने लिखा हुआ था, मेरे पास नक्शा ये वाला डिवाइस में ही है, प्रिंटेड नहीं है मेरे पास वो बुक, तो मैं वेट कर रही थी काफी टाइम से कि मुझे डिवाइस मिले तो मैं कंफर्म करूं उसको, ये देखिए ये दो मंदिर का जो चांदा है ना, ये दो मंदिर का ही लंबा है, अभी अभी हमने किया, एक मंदिर का वो चौड़ा है और दो मंदिर की लंबाई है इधर की तरफ, तो यहां पर एक वृक्ष आया, एक वृक्ष यहां पर, कितनी सुंदरता महाराज जी ने लिखा ये स्पेशल, ये देखिए सीढ़ियां चढ़ते हो ना आप तो बीच में ये वृक्ष की शोभा आती हुई आपको दिखाई देती है, और आप जब अंदर एंटर करोगे यहां से ये वृक्ष आपस में मेहराबें बनाते हैं सुंदर साथ जी, ये वाले वृक्ष एंट्री पर जब वो मेहराब आपको दिखती होगी तो वो कैसी इतनी सुंदर मनोरम वो मेहराब लगती है, और ये वृक्ष स्पेशल क्यों है आपको ये अभी अभी बोलते बोलते सुनते सुनते आपके मन में थोड़ा सा दिल में ये आया कि ये स्पेशल क्यों है ये वृक्ष, अब हम ना ये जो अभी अभी मॉडल बना है ना आप उससे देखिएगा कि इन वृक्षों की जो स्पेशलिटी है ना वो वहां बड़ी प्यारी नजर आ रही है, ये आप देखिएगा 1 मिनट, ये देखें आप ये जो वृक्ष है ना सुंदर साहब जी, ये सारे बाहर के किनार पर ये तो विजिबल है, पूरा का पूरा वृक्ष विजिबल है, ये हमें दिखाई दे रहा है, पर जो वृक्षों की हम बात कर रहे हैं ना वो है यहाँ पर एक्चुअली में, वो ये वाले आगे आ गए हैं तो हमें दिख नहीं रहे, तो वो वृक्ष आए यहाँ पर जब सीढ़ी चढ़ी है ना इधर, यहाँ पर सीढ़ी 1 मिनट, हाँ जी तो यहां पर जब वो सीढ़ी चढ़ी है ना तो वो वृक्ष आया यहाँ पर, मतलब हम किन वृक्षों की बात करें जो अंदर की तरफ है, शायद ये किसी व्यू में हमें दिख जाएगा, उसका तना हमें दिखाई नहीं दे रहा सुंदर साहब जी, उसका तना इस चांदे के अंदर छुप गया हुआ है,
मतलब उनकी नीचे का ये वाला पार्ट मैं बात कर रही हूँ इनकी, आप इसको दिल में कोशिश कीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये बाहर की हार के वृक्षों का तो दिखाई दे रहा है यस, पर ये जो अंदर यहाँ पर हार आ गई है ना, अंदर यहाँ पर मैं लोकेशन अभी दिखाऊंगी, ये डबल वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है इधर, क्योंकि ये जो अंदर की तरफ वृक्ष आया, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर चांदा आ गया ना उधर, तो वो चांदे के ऑलमोस्ट किनार पर वो अंदर की तरफ नीचे से उठा हुआ वृक्ष, और यहाँ क्या विजिबल हो रहा है उसका, सिर्फ आपको मेहराब बनती हुई उसकी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये वृक्ष कितने दोनों स्पेशल और कितनी प्यारी ये शोभा मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, ये देखिए, ये वृक्षों की बात हो रही, स्पेशल प्रियंका जी ने ये वृक्ष बनाए हैं, थैंक यू आशीष जी ने मुझे याद करवाया कि वो वृक्ष नेक्स्ट उनपे बने हुए हैं। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये वाले दो वृक्षों की बात हो रही है, अति सुंदर, ये बाहर की हार उन्होंने इसीलिए बनाई नहीं यहाँ पे कि हमें अंदर के दिख जाएं वो, अति सुंदर ये शोभा, ये दो वृक्षों की केवल यहाँ पे हमें दोनों मिलते हुए, ये सारे वृक्ष आपस में मेहराबे बनाएंगे, अभी इसलिए अलग अलग दिखाए गए हैं कि हमें पता लगे ये वृक्षों की मेहराब जब हम अंदर जाते हैं तो केवल मेहराब और उसका तना नीचे छुपा हुआ चांदे के अंदर, आप इसको अच्छे से निहारिए बिना मेरी ड्राइंग के, ये कितना सुंदर यहाँ पे दिखाई देते होंगे कि ये कैसे ऊपर गए हैं, कैसे मेहराब बनी है वो हम जाम्बू। हां जी बिल्कुल दीपिका दीदी, आपने और अच्छा एक पॉइंट इसमें बताया कि ये मेहराब दो की बन रही है, कि ये एक तो आधी जाम्बू की और आधी नारंगी की ये मेहराब बनती हुई, अति सुंदर, अति प्यारी, अति मनोरम, कितनी सुंदर, आप इसके अंदर एक बार जाकर तो देखिए कि कितना सुंदर ये मेहराब स्पेशल बनी इस प्रकार की, और चाहे बच्चा के किसी साइड में, मतलब मेहराब तो बनी जब इधर बनेगी तो दोनों जांबू के वृक्ष होंगे, जब इधर ऐसा इधर तो ये वाले वृक्ष तो बढ़ाएंगे, पर उधर से कैसे आएंगे, ये वृक्षों के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पर सुंदर साथ जी शोभा निकल कर आई है। और उसके बाद आप जानते हैं ये सारी बात हमारी हो चुकी है, उसके बाद मैं सो गई, सोते सोते अचानक से, अभी तो यहाँ 11-12 बज गए हुए हैं सुंदर साथ जी, अचानक से सुबह 4 बजे ऐसे लगता है कोई झंझोड़ कर उठाता है और लगता है कि एक शोभा तो अभी तक तुमने देखी ही नहीं, जरा उठकर उन नक्शों में देखो तो सही। और 4 बजे उठ के मैं वो महाराज जी की वृत्त लेकर बैठ गई कि कौन सी शोभा आप राजी महाराज दिखाने की कोशिश कर रहे हो जगाकर, तो वो पता है कौन सी शोभा दिल में आई, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी, पर कल हम इस पर अच्छे से सहूर करेंगे। ये देखिए एक महाराज जी ने लिखा, ये भी वृक्ष आया, ये देखिए ये कितना सुंदर वृक्ष यहाँ पर भी एक आया हुआ है, कितना प्यारा ये वृक्ष, और ये वाला वृक्ष और ये वाला, ये देखिएगा ये किस प्रकार से अंदर अपना छत्री मंडल डालते हैं और कैसे कैसे इनकी छत्री बनती है, घर में एक बार इन नक्शों को, इन इस प्यार को, और महाराज जी ने जिस नजर से देखा होगा ना, वो कैसे आप उसको दिल में बसाएंगे। किरण दीदी बहुत ही सुंदर, किरण दीदी ने अभी अभी चैट में लिखा, ये देखिए यहाँ पर 22 हाथ की ऊंची, वो हम पूरी मेहराबे कल बहुत ही अच्छे से और प्यार से इनको किस प्रकार वो छत्री मंडल आया हुआ है, किस प्रकार वो मेहरा, ये मेहराबे बड़ी स्पेशल बनी है, जैसे कि रंग महल के बाहर के वृक्षों ने बनाई थी ना, ये वही वृक्षों की हार इधर भी घूमी है सुंदर साथ जी, इन्होंने 22 हाथ ऊंची वो मेहराब जो बनाई है, और ये सारे वृक्ष किस प्रकार की वो शोभा यहाँ पर बन रही है ना, आपको, आप कल सुनेंगे वो आनंद का पारावार नहीं रहेगा, जैसे कि वो आनंद मुझसे समाया नहीं जा रहा अंदर, राजी महाराज इतना बल देना, इतना आनंद देना,
कि हम सब सुंदर साथ में वो आनंद ही बांटते रहें, हमें कुछ और बांटने का समय ही ना मिले, ना कोई ऐसी बात, ना कोई माया की बात, ना किसी से द्वेष, ना किसी से ईर्ष्या, केवल प्रेम। और सुंदर साथ जी, हमें केवल केवल प्रेम नीति अपनानी है, वही नीति परम धाम तक जाने में हमारा द्वार को आगे आगे क्लीन करती जाएगी, यदि हम ये नीति अपनाएंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। समय पूरा होता है, और किस प्रकार इन वृक्षों का छत्री मंडल बनता है, किस प्रकार ये रौस इधर जाती है, वो सब हम कल करेंगे। हाँ जी, वो सब हम मंडे को करेंगे। सोमवार को सुंदर साथ जी के संशय नहीं आए हैं, इसका मतलब सब सुंदर साथ को शोभा बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, परंतु फिर भी किसी ने वो अभी फॉर्म ना चेक किया हो तो अपने संशय, अपने डाउट्स, अपने आशीर्वाद इन सब सुंदर साथ के लिए जो इतनी सेवा कर रहे हैं, समय निकालकर वही लिखकर भेज दीजिए। सुंदर साथ जी, संशय लिखना ही जरूरी नहीं है, तो अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद लिखकर भेजिए, उन सबको पहुंचाया भी जाएगा और आपके सामने भी बताया जाएगा। आप सबके चरणों में, हृदय में कोटान कोट प्रणाम जी। एक बात मैं सुंदर साथ जी आपको कहना चाहूंगी, सेवाएं हर कोई अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, अपने समय के हिसाब से हर कोई सेवा कर रहा है। YouTube में शेयर करने की सेवा भी कोई छोटी नहीं होती, हम सब वीडियो देखते हैं पर शेयर कौन कौन करता है। ये देखिए, जयश्री बेन अटारा, संगीता ए लोहान, लता देवी जी, जिग्नेश राज जी, सोवा पोखरे जी, रमेश कलसारिया जी, शकुंतला थपालिया जी, ये सब सुंदर साथ ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन जैसे ही वो वीडियो देखते हैं वो यूट्यूब में शेयर भी करते हैं। तो आप भी, यदि आपके पास 2 मिनट का समय है और आप चाहते हैं कि आपके मित्र या आपके सुंदर साथ जो नहीं देख रहे उन तक पहुंचाएं, शेयर करें, जरूरी नहीं है यूट्यूब पे ही करना है, आप वर्बली भी उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है उनको भी आनंद का ये स्वाद मिल सके। सब चले धाम की ओर, अर्श की ओर मिलकर एक-एक कदम बढ़ाकर ही पहुंचेंगे। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलेंगे अपनी प्यारी ब्रह्मवाणी श्री राज जी महाराज की ओर अग्रसर करती हुई। आज हमें श्री राज जी क्या कहते हैं, आइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू, जब तक चपाई निकलती है, बहुत सुंदर वर्णन सच में, आंखों के सामने चाय बच्चा आता हुआ। किरण बहुत मेरा आप पर जी, ये केवल आपका आशीर्वाद, राजी महाराज का तो है ही, अच्छी की दे। सतगुरु की मेहर भी है, पर आपका और मीनू दीदी का हस्त कमल हर समय, वो भी एक-एक मेहराब के, सतगुरु की मेहराब के नीचे आपके फल लटकते हुए भी मुझे हर पल महसूस होते हैं। आपके चरणों में कोटान कोट यदि हो सके तो आज चौपाई का मंथन भी यदि आप करके बताएं तो बहुत अच्छा होगा। किरण दीदी, 3 दिन से इच्छा हो रही थी। मेरे भी दिल में था सोनू, हम दोनों की एक हाँ दिल जी, ही बिल्कुल है। मेरे दिल बिल्कुल, में भी यही था। हाँ जी किरण दीदी, आइए आप। ये हो नहीं गया कल, ये हो गई? अच्छा, दोगले ले ले, ऐसे लग रहा है कि हो रही है, ये वाली हो चुकी है। कोई बात नहीं, आप ये ले ले, ये वाली, ये वाली, ये एक्चुअली इकट्ठी है ना, मेरे पास पता नहीं लगता। ये वाले दीदी? हाँ जी, प्रणाम हाँ जी दीदी, लीजिए दीदी। प्रणाम जी, मैंने प्रणाम भी नहीं करी आपको। जी। सुंदर साथ जी, श्री प्रक्रमा प्रकरण 17 चौपाई 21। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो चिन, या मंदिरों संग धनी के विलसो रात और दिन।
विलसो रात और दिन। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, मेरी एक बात सुनिए। श्री महामत कहे, सुनो साथ जी, इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग ना होने दीजिए। हमने अभी अभी सात वनों की सुंदर अलौकिक शोभा को देखा, तो इन शोभा को एक पल के लिए भी अपने नजरों से दूर ना होने दे। जैसे अभी बात हुई कि दिन भर हमें इसमें चिंतन करना है, तो इन शोभा को दिल में लेवे कि रंग महल के सन्मुख ये सात वन, जिनमें पांच वनों की दो भों तीसरी चांदनी, सुंदर एक नूरी किलम सुंदर बैठ के, और तीन तरफ रंग हम जो मुख हमारा रंग महल की ओर है, तो हमारे दाएं हाथ, हमारे बाएं हाथ और पीछे यमुना जी की पाल पर तीन भों ऊंचे वृक्षों की सुंदर शोभा, बड़ों वन की ये वृक्ष उनमें ही डोलों की, और रंग महल की ओर नौ भों दसियों काशी का रंग महल। तो एक सुंदर, अति सुंदर बादशाही बैठक, यहाँ पर फूलों की सिंहासन कुर्सियां, और इनमें अपने पिया संग आत्मदृष्टि से उन जगह खुद को खड़ा करें और उन नूरी समा पर रमन करने का, खड़े होने का प्रयास हमने करना है, रमन पिया अपने आप करवाएंगे। तो इस तरह से अपने को वो शोभा को देखना है, इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग ना होने दीजिए। परम धाम के इन मंदिरों में अष्ट पैर की होने वाली लीला में चितवनी के द्वारा डूब जाइए और अखंड आनंद का रसपान कीजिए। खीर कर मंदिरों की सुंदर शोभा, 6,000 मंदिरों की दोहारी, भीतर हवेलियों के फिरावे, नव चौक, एक एक मंदिर की अलौकिक शोभा। और सातवन की बात हो रही है, तो बारी हर मंदिर उनके ठीक सामने वैसे ही फूलों के मंदिर, तो इस शोभा को भी दिल में लेवे कि जैसे मंदिर रंग महल की बारी हार दीवार, रंग महल की बाहरी जो घेर कर मंदिरों की हार आई है, उनके ठीक सन्मुख चांदनी चौक की हद छोड़ देवे, बाकी जगह जहाँ वनों का मिलान है, तो ठीक सामने जैसे यहाँ रंग महल के मंदिर, वैसे वहां फूलों पत्तियों के मंदिर और वो पशु पक्षियों के रहने की स्थान। तो इन एक एक लज्जत को हम महसूस करें कि कितनी सुंदर साहिबी, इधर हम देख रहे हैं नगो के, जवेरों के, नूरी, और ये सब शोभा पिया की आत्म स्वरूप, उनकी आत्म हर शहर में हम पिया को देखें, और ठीक सामने फूलों की वैसी ही सुंदर मौलाते हमें मिलती हुई। तो इन शोभा में हमें दिन रात डूबना है, आशय को समझते हैं। यद्यपि परम धाम में तो लीला दिन रात अनवरत चलती ही रहती है, किंतु इस मायावी जगत में निद्रा, भोजन, अन्य कार्यों में ब्रह्म लीला का निरंतर रसास्वादन केवल आत्मिक धरातल पर ही किया जा सकता है। जीव के हृदय में दिन रात उनका अनुभव होते रहना संभव नहीं है। जीव के हृदय में दिन रात उसका अनुभव होते रहना संभव नहीं है। आत्मा जब परातम का श्रृंगार सच के युगल स्वरूप और परम धाम की शोभा अष्ट पैर की लीला को आत्मसात कर लेती है, तो वह धाम हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। सुंदर साहब जी, एक एक स्थान पर जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे आज 6 बच्चे की शोभा की, एक बार हमको समझने के लिए गिनतियां बहुत जरूरी है, लेकिन एक बार समझ आने पर वो पिक्चर दिल में बैठ जाने के बाद, अब गिनतियां जरूर हो सकता है भूल जाए, कई बार तो धनी वो भी याद रखाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम भूल जाए, थोड़ा सा ध्यान लगाने पर गिनतियां भी याद आ जाती है, लेकिन वो पिक्चर हमेशा के लिए आपके दिल में अखंड हो जाती है। 16 हाथ 6 बच्चे का नाम लेते ही आप 16 हाथ 6 बच्चे में होंगे, और आत्मा निरंतर उस आनंद का रसपान करती रहती है। जीव को केवल चितवनी में ही आनंद मिलता है, इस चपई में कथित विलसो रात और दिन का यही आशय है। इस चपई में प्रेममयी चितवनी के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है, प्रेममयी चितवनी के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके मुख से ये सुनकर इतना मीठा लगता है कि उस मिठास का वर्णन नहीं हो सकता।
किरण आंटी बड़ोदरा के मुखारबिंद से सुनते हैं तो इतना प्यारा लगता है कि उस प्यार का वर्णन नहीं हो सकता। तो हर एक रूह के मुखारबिंद से वो अलग अलग रस, वो अलग अलग रंग राजी महाराज हमें प्रदान करते हुए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही आपका प्रेम भरा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही राज जी से प्रार्थना। और सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ मिलकर यही मेहराबे बनाते रहेंगे पूरा दिन। चाहे ये दो वृक्ष हमें ये भी सिखाते हैं, चाहे मैं जांबू हूं तुम नारंगी हो, पर फिर भी हमें हाथ में हाथ डालना है। चाहे तुम अलग हो मैं अलग हूँ, तुम्हारे जीव का स्वभाव अलग है मेरे जीव का स्वभाव अलग है, फिर भी जिस तरह हम सांसारिक रिश्तों में कितना प्यारा एडजस्टमेंट करके पूरे जीवन निभाते हैं, तो सुंदर साथ के साथ हम उतना प्यारा एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते जो मेरे राज्जी की अंगनाएं हैं। तो ऐसा ही हम सब सुंदर साथ आज से प्रण करेंगे, हमेशा याद रखेंगे सकारात्मक एक एक कदम दैट काउंट्स, उसको काउंट कीजिए, अपने हर एक कदम पर नजर रखिए कि कहीं ये मुझे पीछे तो नहीं लेकर जा रहा, मुझे आगे बढ़ना है या फिर वहीं खड़े रहिए। नेगेटिव में जाने की बजाय आज का दिन वहीं खड़े रहिए, कल आगे बढ़ जाइए, पर पीछे नहीं जाना हम सुंदर साथ ने अब कभी भी। तो आइए सुंदर साथ जी, मिलकर किरण दीदी के मुखारबिंद से ही प्यारा सा एक जयकारा सुनते हैं। हाँ जी दीदी बोली। श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की सब सुंदर साथ की जय। नाम जी सुंदर साथ जी, नरेश जी, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ प्रणाम जी, वो जो बात मेरे दिल में